आज मैं सच्चू से छुप कर आई हूँ आपसे मिलने। पता नहीं कहाँ से हर रोज हो जाते हैं मुझे ढूंढता ढूंढता। शुक्र है मैं सच्चू से मेरी जान तो छूटी। और बताएं कैसे छड़ी है। तुम कैसे पता लगा जाते हो कि मैं वीवर से बात कर रही हूँ? आपने शायद पता नहीं है, आपको दिल से दिल को राह होती है, इसीलिए शायद मुझे पता चल जाता है कि वीडियो बन रही है और मैं आ जाता हूँ। लेकिन मैं पता है क्यों आया हूँ पता है? नहीं, मैं इसलिए आया हूँ कि मुझे रीडिंग करना आ गई है। अच्छा बच्चू, चलो मुझे सुनाओ ये वाली बुक। सुनाओगे? ये देखो मैं ये वाली बुक पे लाया हूँ। ये वाली भी लाया है? हाँ, दो लाया हूँ, दो। अब पढ़ के सुनाओ क्या लिखा है। सुनाओ। दा टॉयज पार्टी। हाँ, सही लिखा है ना? सही पढ़ा है मैंने? हाँ। वाओ, और दूसरी है न्यू ट्रेनर्स। चलो अब हम पहले पढ़ेंगे द टॉयज पार्टी। पढ़ते हैं द टॉयज पार्टी। He liked this pair. Oh, उसको ये वाले
कीचड़ लग गई। बाहर खेलते तो कीचड़ मट्टी तो होती है ना व्यूअर्स। द ट्रेनर्स गॉट वेट। क्या पहले उसको कीचड़ लगी, अब वो गीला भी हो गया। दैट वाज क्रॉस। उनके पापा ने दिलाए थे ना नए शूज, उनको गुस्सा आ गया कि गंदे कर दिए नए शूज। चिप वॉश्ड द ट्रेनर्स। फिर चिप ने अपने नए ट्रेनर्स को वॉश कर दिया होगा। यस। ओह नो। ओह नो, ये क्या हो गया, पैर सीमेंट में फंस गया किसी का। उसके अब्बू का ही फंस गया। अब उनके अब्बू के जूते गंदे हो गए। मजा आया, वैसे मजा आया। अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं खुद पढ़ के आपको सुनाऊं और आपको भी सुनाऊं। तो ये तो हमारी आज की स्टोरीज थी जो मुझे तो बहुत अच्छे बच्चे को नहीं आ रही। नहीं, मुझे पसंद तो आई थी, मगर 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 मैं थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो गया था। हो जाते हैं ना बच्चे कंफ्यूज, मैं भी हो गया था। लेकिन अच्छा, अगले एपिसोड में फ्रेंड्स आप भी कमेंट करके बताएगा कि सच्ची स्टोरी सुना या ना सुना। क्यों नहीं, मैं सुनाऊंगा जब मुझे अच्छे से रीडिंग करना आ जाएगी। मैरिश, आप मुझे रीडिंग करना सिखाओगी? नो। हाँ। ठीक है, मैरिश मुझसे कह रही है कि मुझे फिर से दोबारा से सिखा देंगे। कोई बात नहीं, अगर कभी आपके साथ भी ऐसा हो ना कि आपको कोई चीज़ याद हो फिर भूल जाए, तो आप दोबारा उसको सीख लिया करें, क्योंकि भूल तो कोई भी सकता है। जो हमने पहले स्टोरी पढ़ी थी उसमें थे बेफ की चिप और कीपर थे। yes, ना, जिसमें yes, डॉग yes. के बारे में बताया था हमें। बहुत मजा आया था। तो कैसी लगी आपको आज हमारी स्टोरी? मतलब तो आज भी आया होगा आपको, है ना? हाँ, जरूर। तो आप लोगों को आप बताइए कि आप लोगों को रीडिंग करना आती है क्या? आप भी रीडिंग करते हो स्टोरी बुक्स? हमें बताएंगे ना आप लोग, वरना फिर आपकी मम्मा आपको सिखाती है। हाँ, वरना आप रीडिंग करना सीख लें, क्योंकि रीडिंग करना बहुत जरूरी है। अगर आपको रीडिंग आएगी तो ही तो आप राइटिंग और आप उसके ऊपर काम कर सकेंगे। रीडिंग करना बहुत जरूरी है हर बच्चे के लिए और हर बड़े के लिए, है ना मैरिश? हाँ सच्चू। हाँ, तो आपकी ईद कैसी गुजरी? कैसी गुजरी ईद? किसकी? आपकी? मेरी? हाँ, बहुत मजा आया ईद। मजा आया। पहले दिन तो हम अपनी मामी के घर गए, फिर दूसरे दिन हम गोश्त बांटने गए, वेरी गुड, फिर तीसरे दिन हम ड्रीम वर्ल्ड गए। और मैं भी बहुत अपने दोस्तों में चला गया था, बहुत मजा आया हमें, हमने खूब एंजॉय किया। तो फिर आपने भी एंजॉय किया होगा ना, कमेंट्स पर हमें बता दें जी। और आज का एपिसोड कैसा लगा वो भी बताइएगा। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। टिंग 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 टोंग। ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। बाय बाय। अल्लाह हाफिज़।